एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, जैसा आपको पता है कि आज बड़कोट मार्केट पूरा बंद है और रामाई वैली में सभी मार्केट बंद रहेंगे, जितनी भी इनकी 22 यूनिट है। सो गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैसा आजकल भारत में माहौल चल रहा है कि अभी आपने देखा साक्षी कांड हुआ है दिल्ली में, वैसे चकरौता में भी और परोला में भी अभी रिसेंटली एक जो है रिलीजियंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है जिसको लेके आज रैली है बड़कोट में। सो गाइज, आप ब्लॉग में बने रहें, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभी मार्केट ही जा रहा हूँ। पूरा मार्केट बंद है, आज क्लोज रहेगा और देखते हैं रैली में आज क्या क्या हो पाता है। आई होप सो सब चीज़ बढ़िया रहे, फिर भी जो चीज़ मैं कवर कर पाऊंगा मैं आपको ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा। सो गाइज, लेट ना करते हुए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। मार्केट पूरा बंद है और पुलिस ड्यूटी पूरी लग चुकी है, क्योंकि उनको पता है बड़कोट की रैली कुछ भी हो सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक इट। और पूरी फोर्स अभी लग चुकी है, देखना होगा कि ये पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसीलिए यहाँ पे चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। यात्रा सीजन भी जोरों शोरों से है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी रश है आज मार्केट का। अगर आप लेफ्ट से नीचे उतरते हैं तो बड़कोट गांव का नाम जिला ग्राउंड आ जाएगा। भाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी तो क्राउड कुछ पहुंचा नहीं है, 10 बजे तक का टाइम दिया था। डीजे प्रॉब्लम ये आती है कि हम इनसे बातचीत नहीं कर सकते, अपनी फोर्स को ब्रीफ नहीं कर सकते, पीछे से बुला नहीं सकते। देखिए, आप लोग शांतिपूर्ण अगर कर रहे हैं ना तो डीजे की क्या जरूरत है? सुनिए, मेरे पहले सुनिए, सुनिए आप लोग, सुनिए पहले, सुनिए। लाउड स्पीकर लगा लीजिए, हमारे निवेदन है, लाउड स्पीकर लगा लो। हम जो है कैसे कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन भी सहयोग कर रहे हैं, देश का नहीं हो सकता है, इसलिए देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना ही होगा। इसी हेलो हेलो, प्रशासन से आप बेफिक्र। बहन क्या कुछ मोटिव है, क्या नाम है आपका? मैं महन केसरी, श्री पंचायती अखाड़ा महारे। आज का जो कार्यक्रम है किस उद्देश्य से लेकर? आज का जो कार्यक्रम है हिंदू जागृति, एकजुट होने का है और राष्ट्र प्रेम दिखाने का है और एक शांति का प्रतीक चाहते हैं हम। ये ऋषि प्रधान देश है, ऋषि मुनियों का देश है और हमें यहाँ पर डर के नहीं रहना है, हमारी समाज को डर के नहीं रहना है, हमारे भाई को डर के नहीं रहना है। इसलिए जागृति से, क्योंकि अभी समय है, जाग जाओ। आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद कहीं आपको राहत कैंप में ना रहना पड़ जाए, इसका हमें बहुत दुख है और इसीलिए हम आपसे राहत चाहते हैं। और
मैं सब आपसे आग्रह करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, प्रशासन से निवेदन करता हूँ, इनको सुरक्षा देनी है और हमें इनसे डरना नहीं है। या हमारे ऊपर ही नियम लगा देते हैं, जैसे ही हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं। हमें बहुत बड़ा दुख है इस बात का, जैसे ही हम अपने विधर्मियों को अपने यहाँ रहने के लिए बिल्कुल शरण ना दी जाए, बिल्कुल जगह ना दी जाए। Yeah.
से गूंज उठ चुकी है, संगनाम हो चुका है, चुप नहीं बैठना है। माता की जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुदेव की धरती माटी से आज इस पहाड़ी क्षेत्र से इस देव भूमि से चिहाजे को भगाने का जो आप लोगों ने कार्य किया है ये विस्मरणीय है, ये बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव की पुलिस का तमाम।